दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नवीन सनवाल उत्तराखंड नैनीताल से। दोस्तों आज मैं अपने इस ट्रेडिशनल फार्मिंग उत्तराखंड ट्रेडिशनल फार्मिंग के चैनल पर आप लोगों को कीवी की खेती से संबंधित कुछ जानकारी यानी कि अपना अनुभव आप लोगों तक साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों कीवी समुद्र तल से 1200 मीटर से 2400 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से कीवी की खेती की जाती है और इसकी जो प्रजातियां हैं तीन या चार प्रकार की जो प्रजाति हैं हमारे उत्तराखंड में अच्छी पैदावार देती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक एलिसन जो वैरायटी है एलिसन जो है केवल 1200 मीटर से 1700 मीटर तक की ऊंचाई तक अच्छी उपज देती है, यानी कि 1700 मीटर से 2400 मीटर तक, उससे ऊपर 1700 मीटर से ऊपर जहां पर हल्की पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होती है बर्फ भी पड़ती है वहां पर हार्वर्ड या ब्रूनो ये प्रजातियां अच्छी उपज देती है, न कि एलिसन। एलिसन जो प्रजाति है वो केवल 1700 मीटर से 1200 मीटर के बीच में अच्छी पैदावार देती है, ये मेरा प्रैक्टिकली इसमें अनुभव है। दोस्तों भूमि के चुनाव की बात जहाँ पर करें वहाँ पर वर्षा का पानी इकट्ठा न हो और जल भराव वाली जगह न हो। कीवी की खेती के लिए यह एक जल भराव वाली जगह बहुत नुकसानदायक है, यह एक ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों ये मैं जो अभी ये आप देख रहे हैं कुछ बाइन मेरे हाथ में है कटिंग, इससे नए पौधे मैं बना रहा हूँ और नए पौधे जो मैं अभी अपने खेत में मैंने लगभग 60 पौधे लगाए थे, 60 पौधे में से मेरे 55 पौधे सक्सेस हुए हैं और जो 55 पौधे हैं उनमें से मैंने अभी फर्स्ट टाइम अपना एक 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 वर्ष मेरा पूरा हो चुका है कीवी की खेती को। एक वर्ष में मैंने अभी फर्स्ट टाइम अपना ये कटिंग छटिंग किया था और इससे जो अवशेष है इससे मैं अपना नए पौधे तैयार कर रहा हूँ। और वैसे तो बाज़ार में इसके लिए जड़ जो कीवी की जो बाइन है उसमें नर्सरी के लिए आसानी से जड़ निकल जाएं इसके लिए हार्मोन रूट ग्रोथ हार्मोन होता है मार्केट में आता है वो उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह 100% सफल है और अच्छा रिजल्ट देगा। आपको बाज़ार से क्या है कि केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही आसानी से कीवी का पौध तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं केवल 300 बाइन तैयार कर रहा हूँ, 300 बाइन तैयार कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं इसको कर रहा हूँ। इसमें मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने इसके कलम वाली जगह पर या कटिंग वाली जगह पर मैंने कुछ लगाया है। ये दोस्तों हल्दी और शहद बराबर मात्रा में उसका लेप बना लें और लेप बनाने के बाद अच्छी तरह लेप को कटिंग वाली जगह पर लगा लें और मिट्टी में अच्छी तरह दबाकर उसको रोप दें और इस तरह से जैसे ये लगा लें। और ज़रूरी है इसके बाद इसके ऊपर जो है पॉलीटनल, अगर पॉलीटनल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, पाला इस नर्सरी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये जो सक्सेस होता है इसके लिए ज़रूरी है पॉलीटनल होना ज़रूरी है। पॉलीटनल नहीं तो आप घर पर ही अपना पॉलीथीन का बनाकर पॉलीटनल टाइप का बनाकर उसका जो घरेलू जुगाड़ होता है उसको बना सकते हैं। दोस्तों जो अभी मैं आपको खेत में जो कीवी के पौधे देख रहे हैं आप देखेंगे अभी तो अभी इनके एक साल के हो गए हैं, अभी इनकी जो पहली बार जो कटिंग शटिंग की गई है और जो अवशेष बचा है इसी कटिंग से मैं ये पौधे बना रहा हूँ। और कीवी की खेती के लिए सबसे पहले तो यह है कि फेंसिंग वायर जो तार बाड़ है वो बहुत होना ज़रूरी है क्योंकि जंगली जानवर या अन्य जानवर उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं।
और फेंसिंग के बाद उसमें टी बार का भी आप इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। टी बार तार जाल ऊपर से उसको केबी को बाइन को फैलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साथ साथ ही मैं आपको इसके कुछ गड्ढों का आकार, केबी की गड्ढे की जो गड्ढे हम तैयार करेंगे सितंबर अक्टूबर माह में, 1x11 यानी कि 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा गड्ढा होना बहुत अति आवश्यक है। अगर आपका 1x1 का गड्ढा नहीं है तो आपका केबी सक्सेस नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। 1x1 का गड्ढा खोदना ज़रूरी है, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा, और जहाँ पौंच से पौंच की दूरी आती है यानी कि 6x5 यानी कि 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई की दूरी में पौंच ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, और सितंबर अक्टूबर माह में गड्ढे खोद कर तैयार कर लें पहले, और फिर दिसंबर से 15 जनवरी तक के बीच में ट्रांसप्लांटिंग कर लें, रोपण कर लें। हाँ, रोपण करने से पहले दोस्तों आप प्रति गड्ढा 30 केजी सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद और 210 ग्राम लगभग जो है 200 ग्राम या 210 ग्राम डीएपी मिलाकर प्रति गड्ढा अच्छी तरह मिलाकर प्रति गड्ढा अति आवश्यक होता है डालना। उसके पश्चात ही रोपण करें। मिट्टी में जो मिट्टी है गड्ढों की उसमें 30 ग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद और 210 ग्राम डीएपी मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण कर लें, मिला लें और फिर उसके बाद रोपण करें। और इस वीडियो में अभी इतना ही, आगे की जो वीडियो बनाई जाएगी वो नर्सरी से संबंधित जो बाइन मैंने तैयार किए हैं इससे संबंधित कितने सफल हुए और कितने पौधे खराब हुए उससे संबंधित वीडियो बनाई जाएगी, और उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें, और अगर किसी को बाइन की ज़रूरत है, पौधों की ज़रूरत है, तो आप मुझे डिमांड भी पहले कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।